हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे करीबन एक हफ्ते बाद देख रहे हैं। आज वीडियो में भाई की शादी थी, आप लोगों ने पेशेंस रखा और इस वीडियो को अभी भी आप इतना प्यार देने के लिए आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो में मैं आपको 4 कुर्ता प्लाजो सेट्स दिखाने वाली हूँ जो कि वेडिंग के किसी भी फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। जो हुडी मैंने पहन रखी है, अगर आपको वो पसंद आ रही हो तो इसका हॉल भी बहुत जल्दी ऑन एयर होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मिंत्रा हॉल बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तो चलिए हॉल को स्टार्ट करते हैं। और आज का हॉल जो है वो है एक्ने कलेक्शन का। इनके और भी हॉल्स में पहले आपको दिखा चुकी हूँ और उन्हीं की तरफ से ये 4 कुर्ता प्लाजो सेट्स हैं। इनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ऑर्डर देने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इसमें से कोई भी आउटफिट पसंद आता है तो व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इनसे उस नंबर पे बात कर सकते हैं। नेहा नाम है फैशन डिजाइनर का, उनका ये कलेक्शन है। तो चलिए हॉल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कुर्ता प्लाजो सेट दिखाने वाली हूँ। बर्गंडी कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बर्गंडी कलर का कुर्ता प्लाजो सेट है। आप ये देख सकते हैं, इसके इस तरीके से नेकलाइन है और इस पे छोटे छोटे गोटा पट्टी के आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं। नो डाउट कुर्ता प्लाजो सेट बहुत अच्छा है। कुर्ता शरारा सेट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप ये देख सकते हैं 3/4 इसकी स्लीव्स हैं और इस तरीके से इस पे फ्लावर्स बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो दीदी थोड़ा सा आयरन नहीं है, मदा हुआ है, क्योंकि इसे मैंने पहना है। मेरे घर में जब शादी थी तो मेरी भाभी को पार्लर में लेके गई थी, तब मैंने ये कुर्ता प्लाजो जो सेट है, शरारा जो सेट है, इसे मैंने पहना था। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मेरी मॉम, मेरी मामी सब ने मुझे कहा कि ये जो तेरा शरारा कुर्ता सेट है ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से इस पे फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये जो शरारा कुर्ता सेट है ये मेरी तरफ से ट्रस्ट मी हाईली रिकमेंडेड है। इसको मैंने करीबन 5-6 घंटे पहना है और मेकअप जब तक मेरी भाभी का चलता था तब तक मैंने इसे पहन के रखा है। फैब्रिक A1 है, बहुत कंफर्टेबल है। पीछे की तरफ से ये टोटली प्लेन है और इसमें मीडियम साइज से ही स्टार्टिंग है, इसमें स्मॉल नहीं आएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा लूज था, तो अगर आपकी हेल्थ मेरे जैसी है तो आपको इसे ऑल्टर कराना पड़ेगा। मैं भी इसे ऑल्टर ही कराऊंगी, बट पहनने के बाद में इसका लुक टोटली ब्यूटीफुल है, बहुत ही ग्रेसफुल है। और यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से ये इसका बॉटम है, शरारा है इसका। इस तरीके से मैं आपको एक सिंगल फ्लेयर दिखाती हूँ, एक सिंगल लेग का। आप ये देखिए, इतना अच्छा वाला ना, इसके एक सिंगल बॉटम में ना घेर है और इस तरीके से आपको गोटा पट्टी की लाइनिंग मिल जाती है। और आप ये देखेंगे, इसमें भी आपको फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। बहुत सही लग रहा था ये पहनने के बाद में। ये तो मतलब A1 बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। देखिए इस तरीके से इसमें भी फ्रंटल में आपको फ्लावर मिल जाते हैं गोटा पट्टी लाइन के साथ में। और इसका जो रेयॉन फैब्रिक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। इसका जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये कुछ अराउंड 850 या 875 का था, तो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन चीज़ A1 है, इसे तो आप खरीद ही लीजिएगा। और अब जो शरारा कुर्ता सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये रही इसकी पिक्चर। इसमें भी आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं। ये कॉटन और रेयॉन फैब्रिक से बना हुआ है, यानी कि इसका जो कुर्ता है ये इसका कुर्ता है, ये रेयॉन फैब्रिक का है। आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से इस पे कॉटन के कपड़े की नेकलाइन लगाई गई है। आप ये देखिए इस तरीके से। और ऑल ओवर ये जो कुर्ता है ये प्लेन है, इसे भी मैंने पहना है। कब पहना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ देखिए, इसकी ये 3/4 इसकी ये स्लीव्स है इस तरीके से, और पीछे की तरफ से ये टोटली प्लेन है। दमदार इसकी चुन्नी है और इसका शरारा है। ये देखिए इस तरीके से कॉटन का प्रिंटेड इसका शरारा है। ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से ग्रीन कलर का प्रिंट मिलता है, नीचे की तरफ आपको एक सिंगल बॉटम में इतना चौड़ा घेर मिलता है। आप ये देखिए, बहुत अच्छा वाला शरारा में घेर है और इस तरीके से आपको फ्लावरी प्रिंट मिलता है। और नीचे की तरफ आपको एक सिंगल बॉटम में इस तरीके का बॉर्डर लाइन मिल जाता है प्रिंटेड। दोनों ही आप ये देखिए, बॉटम में अच्छा वाला स्पेस है लेग्स की, बहुत बहुत बढ़िया घेरदार है ये शरारा कुर्ता सेट है, बहुत अच्छा है ये। मुझे तो ये वाला सेट भी बहुत पसंद आया। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब पहना था। जब हमारी भाभी के घर वाले
वापस अपने घर जा रहे थे, इनफैक्ट मतलब जयपुर जा रहे थे, जब हम उन्हें सी ऑफ कर रहे थे हमारे रिसेप्शन के बाद में, ये वाला मैंने तब पहना था और ये बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से इसकी कॉटन की चुन्नी है और चुन्नी में भी आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाता है, बहुत अच्छा पीस है ये भी। और चुन्नी की जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इस तरीके से ना, जैसे हम लोग गुरुद्वारे वगैरह में चुन्नी नहीं डालते सर से एकदम ऐसे राउंड करके, इस तरीके से मैंने ऑल ओवर ड्रेप किया था इसके दुपट्टे को, और बहुत अच्छी लेंथ है दुपट्टे की। एग्जैक्ट प्राइस जो भी है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इस पूरे लॉट में जो दो शरारा कुर्ता सेट मैंने स्टार्टिंग में दिखाए हैं, ये ग्रीन वाला और ये जो मैंने आपको बकंडी वाला दिखाया, ये दोनों तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये मैंने अभी तक पहन के देख लिए हैं, कपड़ा अच्छा है और बहुत ही कंफर्टेबल है। अब इसके बाद में जो थर्ड शरारा कुर्ता सेट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें भी आपको दो कलर्स मिल जाते हैं और इस तरीके से ये भी अच्छा है, ब्यूटीफुल तो है। ये देखिए ये व्हाइट कलर का है और इस तरीके से आपको ना फ्लावर वाली एम्ब्रॉयडरी जो है वो पूरी नेक लाइन पे मिल जाती है, और फैब्रिक इसका भी अच्छा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसके अंदर एक स्पेगेटी पहननी पड़ेगी। और आप देखेंगे ना तो शोल्डर से लेके काफ़ी लंबा इसमें एम्ब्रॉयडरी दिया गया है, और छोटे छोटे इस तरीके से ना सर्कल सर्कल फ्लावर्स हैं जो ऑल ओवर कुर्ते में आपको मिल जाते हैं। चीज़ अच्छी है, पहनने के बाद में ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। इनफैक्ट अगर डे टाइम में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, घर की कोई पूजा वूजा हो, तो आप उसमें इसे पहन सकते हैं। पीछे की तरफ से ये टोटली प्लेन है और इसकी भी आपको इस तरीके से 3/4 बेसिक स्लीव्स मिल जाती है। इसका सबसे अच्छा जो पार्ट है वो इसका बॉटम है, इसका बंदेज का बॉटम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने अभी तक वेयर नहीं किया, इसे मैंने सिर्फ ट्रायल के टाइम पे ही वेयर किया है, और पहना हुआ तो इसका लुक भी अच्छा आ रहा था। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका बंदेज का शरारा है, और इसमें आपको इलास्टिक मिल जाती है, कमर में अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। अगर आपकी 36 भी हो वेस्ट तो आपको आराम से आ जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से इसके बॉटम में भी घेर आपको मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको गोटा पट्टी का बॉर्डर मिल जाता है। आजकल इसी तरीके का गोटा पट्टी बॉर्डर वाला ना शरारा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये कॉटन का है, फैब्रिक अच्छा है, और इसका भी इसके कुर्ते का जो कॉटन का फैब्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, आई गेस ये कुछ 850 या 870 कुछ अराउंड ही है। एग्जैक्ट प्राइस जो भी होगा वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ओवरऑल इसका भी लुक पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहें तो एक बार इसे भी देख सकते हैं। आपको एक और शरारा कुर्ता का सेट लगा रही हूँ, इसके साथ में दुपट्टा भी मिल जाता है आपको, और इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं। इसमें मैंने ब्लू कलर आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, ये काफ़ी अच्छा पार्टी वेयर है। और अब ये देखिए आप इस तरीके से जॉर्जेट मटेरियल का है ये, और इसमें अंदर आपको लाइनिंग भी मिल जाती है। नेकलाइन बहुत ही सिंपल सी है, और इस नेकलाइन में आपको यहाँ पे सेंटर में तीन बटन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल से गोटा पट्टी का काम मिलता है, फ्लावर्स मिलते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ऑल ओवर कुर्ते में गोटा पट्टी के फ्लावर्स मिल जाते हैं। ये थोड़ा उन तीनों से हैवी है शरारा कुर्ता सेट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आपको ऑल ओवर गोटा पट्टी का इतना चौड़ा बॉर्डर मिल जाता है कुर्ते में। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये कुर्ता प्लेन है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंट जॉर्जेट मटेरियल की बेल स्लीव्स मिलती हैं, जिसमें आपको गोटा पट्टी बॉर्डर मिलता है। इसका लुक काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी शरारा कुर्ता सेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इनमें हमें मीडियम से ही स्टार्टिंग मिलती है, इसमें हमें स्मॉल नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा ऑल्टर कराना पड़ेगा, विच इज़ एक्चुअली मेरे हिसाब से ओके है। थोड़ा ऑल्टरेशन तो चलता है, इतना तो चलता है अगर चीज़ अच्छी हो तो। और इस तरीके से आप देखेंगे तो स्ट्रेचेबल, इसमें भी इलास्टिक है इसके शरारा में, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी जॉर्जेट मटेरियल का है, इसमें भी अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको देखेंगे इस तरीके से आपको बॉर्डर मिल जाता है गोटा पट्टी का। और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसके भी आप देखिए एक लेग के बॉटम में आपको अच्छा खासा घेर मिल जाता है, और बहुत ही बढ़िया बारीकी से आप ये देखेंगे गोटा पट्टी का बॉर्डर आपको शरारे में एंड में मिल जाता है।
तो इसका यहाँ पे आपको इस तरीके से दुपट्टा भी मिल जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल गोटा पट्टी बॉर्डर मिल जाता है आपको। और चुन्नी इसकी भी अच्छी है, तो लंबी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके से गोटा पट्टी फ्लावर्स हैं चुन्नी में, और चुन्नी काफी अच्छी है, आराम से 2.25 मीटर की चुन्नी है। मेरे हिसाब से तो काफी काफी हद तक लंबी है और सफिशियंट है इसका दुपट्टा, कि छोटा नहीं पड़ेगा। लुक इसका पहनने के बाद में काफी डिसेंट आ रहा है, अच्छा आ रहा है। आप आराम से वेडिंग सीजन में किसी भी फंक्शन में इसे पहन सकते हैं। 1400 समथिंग इसका प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। और कलर वेराइटी आप इसमें देख चुके हैं, आपको जो कलर ऑप्शन इसमें परचेज करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। इनके स्पेसिफिक चैनल के जो लिंक्स हैं, यानी कि नेहा के अभी एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप और कुर्ता प्लाजो सेट, साड़ियाँ, अलग अलग तरीके की वैरायटी के यूट्यूब के वीडियोस देखना चाहें इनके कलेक्शन के, तो वो भी आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं आसानी से। और ऑर्डर प्लेस करना हो तो व्हाट्सएप नंबर तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया है। आई होप आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।